वेलकम बच्चों। तो हमारा चल रहा था चैप्टर 6, जिसका नाम था सुपर पोजिशन ऑफ वेव, जिसकी थ्योरी हमारी हो चुकी थी और कंटिन्यूसली कुछ दिनों से हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। और आज भी हम दो प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइम में न्यू चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। सो आप पेज नंबर 157 पर हमारा एक क्वेश्चन बाकी था जिसका नंबर था 12, और एक हमारे पास एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो चलो यहाँ पर देखते क्या हो रहा है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, इसको पहले समझने की कोशिश करते। देखो क्या कहा उन्होंने, टू सोर्सेस ऑफ साउंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 मीटर। यानी दो सोर्सेस है, मान लीजिए कि ये सोर्स 1 है और ये सोर्स 2 है साउंड का, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना मीटर है हमारे पास, 4 मीटर है। चलो आगे क्या कहा, दे बोथ इमिट साउंड विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्स, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम एम्पलीट्यूड है और सेम फ्रीक्वेंसी भी है। तो एम्पलीट्यूड तो दिया नहीं है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, कितनी दी है, 330 हर्ट्स। तो हम गिवन डेटा में लिख लेते क्या है हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी लिख लेते। तो फ्रीक्वेंसी यानी यन इज इक्वल टू कितना दिया है, 330 हर्ट्स, और ये दोनों सोर्सेस के लिए सेम है, और दोनों सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर का। अब ध्यान में रखना, बट दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, यानी वो 180 डिग्री। देखो एक सोर्स क्या होगा, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करेगा, एक सोर्स यहाँ से क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों के वेव्स तो आएंगे, लेकिन उसने कहा क्या है कि दोनों की दोनों 180 डिग्री के फेज में चल रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मान लीजिए कि एग्जांपल कि ये इस तरह से वेव निकालता तो वो इस तरह से निकालेगा, ठीक है। इधर का फॉर्म अगर ऐसा होगा तो उसका फॉर्म ऐसा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ से निकलने वाली वेव्स, यहाँ से निकलने वाली वेव्स, ठीक है। एग्जाम्पल, हालांकि ये ऐसा लूप्स तैयार नहीं होती, लेकिन हम इसको बताते हैं, ठीक है, ताकि हमको थोड़ा अच्छे से समझे। तो एग्जांपल के लिए कि अगर बात करते हैं तो सबसे बीच में, चाहे आप कितने भी लो, सबसे बीच में हमको क्या मिलता है, हमें नोड मिलता है, ठीक है। नोड जहाँ पे इंटेंसिटी जीरो होती है, ठीक है, यानी पाथ डिफरेंस भी जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बीच में, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा 4 मीटर है, 4 मीटर के एकदम एग्जैक्टली बीच में अगर बात करते तो यहाँ हमको क्या मिलता है, नोड मिलता है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से होगा हमारा 2 मीटर और यहाँ से इधर में होगा 2 मीटर, ठीक है, ये समझो। यानी एग्जैक्टली कहाँ पर, सेंटर पर। जैसे यहाँ पर बात कर लो ना, जैसे हमने क्या देखा था, पाइप देखा था, ठीक है। मान लीजिए कि एक सोर्स यहाँ से, एक सोर्स यहाँ से, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं कि दोनों तरफ से ओपन पाइप है, ठीक है। सो इधर से जब आती थी तो हमने क्या कहा था, तो इस तरह से मिलता था हमको, ठीक, इस तरह से था। तो हमको एग्जैक्टली मिडल में हमको क्या मिलते थे, नोड्स, और यहाँ पर एंटी नोड्स मिलते। तो उसी प्रकार यहाँ पे समझो, ये सोर्स है, ये सोर्स है, तो मिडल में हमको नोड्स मिलेगा, आजू बाजू में एंटी नोड्स वगैरह होंगे, ठीक है। ये अब सिर्फ हम एग्जांपल समझने के लिए, एग्जैक्टली ऐसी डायग्राम नहीं बनती हमारी। आगे देखो क्या कहा फिर, एट वॉट पॉइंट्स, ठीक है, क्या कहा, एट वॉट पॉइंट्स बिटवीन द टू सोर्सेस, यानी ये सोर्स और ये सोर्स के बीच में विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम, मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पर होंगे। जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे बीच में तो नोड मिलेगा, नोड मिलेगा मतलब एम्पलीट्यूड जीरो, और आपको मालूम है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसको, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को। अब ये जीरो हो जाएंगी तो इंटेंसिटी भी जीरो, यानी सबसे बीच में क्या मिलेंगी आपको, जीरो मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जब उसके बाद में जब बात करूंगा तो ये है हमारा एंटीनोड, ठीक है। एंटीनोड का मतलब इधर में भी रहेगा उतने डिस्टेंस पर, ठीक है, दोनों तरफ में, इधर में पॉजिटिव ले लेंगे, इधर में नेगेटिव, तो दोनों तरफ में इधर एंटीनोड है, इधर एंटीनोड है, ठीक है। तो बात अगर हम करते हैं कि एंटीनोड, एंटीनोड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होंगे, मैक्सिमम, यानी हमें पहला मैक्सिमम पॉइंट यहाँ मिलेगा इधर साइड में, और ये अगर सेंटर लेते तो इधर पॉजिटिव समझ लो, उतने ही डिस्टेंस पर इधर में भी हमको मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल कि यहाँ पे अगर हमको कि 2 सेंटीमीटर मीटर पे मिलता तो इधर में भी हमको 2 सेंटीमीटर मीटर पे मिलेगा, ठीक है। इधर 0.2 लेंगे तो इधर भी 0.2, मतलब यहाँ से ये पहला, देखो सबसे बीच में एग्जैक्टली एट द सेंटर वी गेट द नोड, सो वी गेट द जीरो इंटेंसिटी यानी मिनिमम इंटेंसिटी। उसके बाद सबसे पहला इधर में और सबसे पहला इधर में, यानी क्या बोलेंगे, दो मैक्सिमम हो गए, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो जो फर्स्ट मैक्सिमम
लिखना है तो वो मिलेगा मुझको यहाँ पर। लेकिन ये देखो आप, ये पॉइंट है हमारा एंटीनोड, ये पॉइंट है नोड का, और आपको मालूम है एंटीनोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय टू, यानी सबसे पहले मैक्सिमा हमको लैम्डा बाय फोर पे मिलेंगे, ठीक है। फिर जब मैं आगे बढ़ूंगा, एग्जाम्पल अब इसी के बीच में मैं बता देता, इधर साइड में बता देता, देखिए ये सोर्सेस है हमारे पास में, ठीक है, ये इस तरह से है, मान लीजिए ये सोर्सेस थे, ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच, तो ये सबसे बीच में थोड़ा मुझे अच्छे से निकालना पड़ेगा। अब देखो इसको, जैसे मैंने यहाँ पर निकाले दो, ये वही है मान लो, ठीक है, ये हमारे पास में डिस्टेंस कितना था, ये टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 4 मीटर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस तरह से बताता हूँ, ठीक, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे नोड मिला था, फिर ये जो है पहला, ये समझो एंटी नोड, ठीक है, तो यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर ये एंटी नोड है, इन दोनों जगह पे मुझको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। लेकिन ये डिस्टेंस अगर हम बात करते तो ये है हमारे पास में लैम्डा बाय फोर, उसी प्रकार अब यहाँ जीरो होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर से एंटीनोड, तो यहाँ ज़्यादा होगा। लेकिन अब देखो ये एंटीनोड और नोड के बीच में डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय फोर है, लेकिन एंटीनोड और नेक्स्ट जो मिलेगा मैक्सिमा, सबसे पहला मैक्सिमा कितना लैम्डा बाय फोर पर, लेकिन उसके बाद में जब मैक्सिमा मिलेगा तो एंटीनोड एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस रहेगा, और दो एंटीनोड, ठीक है, और एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस वो होता है लैम्डा बाय टू, यानी सबसे पहला मिलेगा सेंटर से बाजू में लैम्डा बाय फोर पर, लेकिन उसके बाद जो जो पॉइंट्स मिलते जाएंगे वो लैम्डा बाय टू ऐड करने के बाद मिलेंगे, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, ये तो हमारी हो गई, क्या ये फ्रिक्वेंसी हो गई। अब अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ की, तो मुझे वेवलेंथ मालूम चाहिए, देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स दिया है, यानी वेवलेंथ नहीं है लेकिन वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी, और वेवलेंथ के लिए हमारे पास में वेलोसिटी का फार्मूला है एन लैम्डा। अब वेवलेंथ निकालनी है, एन मालूम है, तो मुझे क्या मालूम चाहिए, वी मालूम चाहिए। अब यहाँ पे साउंड की वेलोसिटी दी नहीं है, तो मैंने याद है इसके पहले में कई बार कहा है कि अगर नहीं दी है और जब आपको लेने के रहा तो वेलोसिटी आप ले सकते हो 330 मीटर पर सेकेंड, जनरली ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, लेट, वी क्या हमारे पास में 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी वेलोसिटी है, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ। देखो तो वेवलेंथ का फार्मूला, लैम्डा अकेला करो तो यन नीचे जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाई यन। अब वी हमारे पास क्या है 330 अपॉन यन, भी हमारे पास क्या है 330, इसीलिए वेवलेंथ जो होगी वो हम इसको समझते कि वेवलेंथ कितनी है 1 मीटर है, वेवलेंथ यहाँ पर कितनी है 1 मीटर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे पास हमें यहाँ पर ये दोनों सोर्स थे, आवाज़ निकलेंगी यहाँ से, ये दोनों हमारे पास क्या है सोर्स है, यहाँ से आवाज़, सबसे सेंटर में ध्यान दो साउंड के संबंध में, सबसे सेंटर में, ठीक है, हमको क्या मिलेगा, नोड मिलेगा, यानी यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी होंगी, यहाँ पे इंटेंसिटी कैसे होंगे मिनिमम, हमको क्या चाहिए, देखो एट व्हाट पॉइंट्स बिटवीन द टू सोर्सेस, यानी ये सोर्स और ये सोर्स के बीच में किस किस पॉइंट पर विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम, साउंड इंटेंसिटी कहाँ कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। तो सबसे बीच में अगर बात करते तो मिनिमम इंटेंसिटी, फिर उसके बाद में जहाँ पे एंटी नोड मिलता वहाँ पर हमको क्या मिलेगी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, सॉरी मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो यहाँ पर एंटी नोड है ना, तो ये पहला एंटी नोड है, तो नोड के बाद एंटी नोड, तो ये जो डिस्टेंस है नोड और एंटी नोड का वो रहता लैम्डा बाय फोर, यानी पहला एंटी नोड किस पे मिलेगा लैम्डा बाय फोर पे मिलेगा। अच्छा तो लैम्डा बाय फोर उधर साइड में, तो लैम्डा बाय फोर इधर साइड में भी, यानी इधर साइड में, अगर ये सेंटर समझते तो उधर जाते समय पॉजिटिव ले लो, इधर आते समय नेगेटिव, यानी पहला जो मिलेगा प्लस माइनस लैम्डा बाय फोर पे मिलेगा, यानी क्या मिलेंगे हमको द फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ टू सोर्सेस, टू साउंड सोर्सेस, एट द सेंटर ऑफ टू साउंड सोर्सेस, दो साउंड सोर्सेस के बीच के जो भी सेंटर होगा, ठीक है, वी गेट नोड्स, वी गेट अ नोड, ठीक है, दैट इज मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट, मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट, ठीक है। फिर फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है, फर्स्ट दो मैक्सिमम मिलेंगे, एक इधर साइड में एक इधर साइड में, यानी क्या बोलेंगे फर्स्ट कितने मैक्सिमम,
टू मैक्सी मैक्सिमम का अनेकवचन लिख दो यहाँ पे मैक्सिमा, क्यों? क्योंकि एक इधर में मिलेगा एक इधर में, द फर्स्ट टू मैक्सिमा ठीक है आर एट ठीक है यहाँ पे लिखते फर्स्ट टू मैक्सिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ टू सोर्सेस, सेंटर ऑफ टू सोर्सेस ठीक है आर एट डिस्टेंस प्लस माइनस लैम्डा बाय फोर, इस पे मिलेगा प्लस माइनस लैम्डा बाय फोर ठीक है दैट इज अगर हम बात करते हैं प्लस माइनस लैम्डा बाय फोर के ठीक है दैट इज यही भी लिख लो प्लस माइनस लैम्डा बाय फोर, हमारा लैम्डा कितना आ चुका है 1 मीटर आ चुका है ठीक है तो आप उसको बाद में भी ले सकते हो रहने दो इसको ठीक है तो पहला किस पे मिलेगा हमको लैम्डा बाय फोर पे ठीक है फिर से देखो ये सेंटर है हमारे पास में ठीक है ये सेंटर हो गया यहाँ पे वन टू समझो ज़्यादा भी होंगे 1 2 इस तरह से ये सोर्स हो गया यहाँ पे नोड्स है पहला एंटी नोड मिलेगा लैम्डा बाय फोर पर फिर उसके बाद एंटी नोड यानी मैक्सिमम मिलेगा वो लैम्डा बाय टू पर ठीक है यानी अदर मैक्सिमा ठीक है जो फर्दर मैक्सिमा है वो फर्दर मैक्सिमा बोलो या फिर अदर मैक्सिमा ठीक है आर एट द डिस्टेंसेस ठीक है बाय ऑफ लैम्डा बाय टू यानी लैम्डा बाय टू के डिस्टेंसेस पर मिलेंगे ठीक है यानी क्या यहाँ पर लिखेंगे फर्दर मैक्सिमा ऑन आइदर साइड आर ठीक है ईच यहाँ पे शब्द डाल दो ईच एट डिस्टेंस लैम्डा बाय टू ठीक है यानी हर एक इसने डिस्टेंस पे मिलते जाएगा लैम्डा बाय टू पर ठीक है सो अब डायरेक्ट लिख लो थोड़ा वर्डिकली ठीक है क्या होगा यहाँ पर लिखा एट व्हाट पॉइंट्स तो पहला कहाँ पे मिलेगा लैम्डा बाय फोर अब लैम्डा बाय फोर का मतलब क्या है नाउ यहाँ पर आप लिख सकते लैम्डा बाय फोर मतलब क्या होगा प्लस माइनस लैम्डा बाय फोर मतलब प्लस माइनस लैम्डा कितना है देखो 1 है 1/4 मतलब प्लस माइनस 4 से डिवाइड करो तो 4 0 0 10 बनेंगे 4 2 8 फिर बचेंगे 2 तो 4 5 20 ठीक है यहाँ पे इतने मीटर पर ठीक है उसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे लैम्डा बाय टू अगर हम लैम्डा बाय टू की बात करते हैं तो लैम्डा बाय टू यानी क्या होगा 1/2 मतलब 0.5 मीटर्स तो आप क्या करते जाएंगे 0.5 ऐड करते जाएंगे इसमें ठीक है अब आप देखो फिर से यहाँ पे ये सेंटर था ये टोटल था हमारे पास 4 मीटर ये सेंटर होने के कारण यहाँ पर इतना था हमारे पास में 2 मीटर इधर में इतना था हमारे पास में 2 मीटर ठीक अब हमको ये कितने पे मिला ये तो 0 हो गया इसके बाद में ये जो यहाँ पर मिला ठीक है वो कितने पे मिला 0.25 ठीक है और उसके बाद में कितना ऐड करते जाना है तो मैं इसमें पहला ऐड करूँगा 0.5 तो दूसरा किस पे मिलेगा 0.75 उसमें अगर मैं ऐड करता हूँ ठीक है किसका कितना ऐड करेंगे फिर से 0.5 ये 0.5 ऐड करते जाएंगे तो ये मिलेगा 5 2 1 ठीक है तो ये होगा ये पहला ये दूसरा ठीक है ये होगा तीसरा इसमें और क्या करो 0.5 ऐड करो ठीक है तो ये होगा 5 7 और ये 1 ये हो गया चौथा अब अगर मैं इसमें और ऐड करता हूँ 0.5 तो ये होगा 5 2 ये 2 लेकिन ये 2.25 होगा 2.25 का मतलब क्या ये 2 से उधर जाएगा लेकिन हमारे पास वो डिस्टेंस है ही नहीं हमारे पास इधर में कितना है 2 मीटर है इधर में कितना है 2 मीटर यानी वो लास्ट यहाँ तक मिलेगा क्योंकि ये तो 0.25 पे मिलना इतना हमारे पास नहीं है यानी हमें जो मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट है वो पहला मिलेगा 0.25 फिर मिलेगा 0.75 फिर मिलेगा 1.25 फिर मिलेगा 1.75 एक साइड में वैसे दूसरे साइड में इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे प्लस माइनस ठीक है एंड फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कहा था सो एट व्हाट पॉइंट्स ठीक है बिटवीन द टू सोर्सेस विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम ठीक है यानी आप क्या बोलेंगे एट कौन सा पहला रहेगा 0 प्लस माइनस यहाँ पे आप डाल दीजिए प्लस माइनस 0.25 दूसरा 0.5 ऐड करेंगे तो 0.75 ठीक है प्लस माइनस फिर प्लस माइनस 1.25 ये आप देखते जाओ ठीक है और फिर प्लस माइनस 1.75 मीटर ठीक है
तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है, इतने मीटर पर, एट इतने मीटर वी गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स कहाँ से, फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है, फ्रॉम दी सेंटर। सेंटर से हमको कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे, पहला 0.25, तीसरा दूसरा 0.75, फिर 1.25, फिर 1.75, उधर साइड में भी और इधर साइड में भी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझिए, ठीक है। चलो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, जो किताब में नहीं, किताब के क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, वेवलेंथ ऑफ टू साउंड वेव्स इन एयर आर, देखो दो वेवलेंथ दी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेटा, ठीक है। तो यहाँ बताइए क्या है, ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, तो पहले को मैं नाम देता हूँ लैम्डा वन, वो है 82/173 मीटर समझो, ठीक है। दूसरा है लैम्डा टू, तो लैम्डा टू कितना है, 82/171 मीटर, ठीक है। दे प्रोड्यूस 9 बीट्स पर सेकेंड, 9 बीट्स पर सेकेंड यानी बीट फ्रिक्वेंसी कितनी थी है, 9 बीट्स पर सेकेंड। आगे क्या कहा, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यानी आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकालना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे एग्जांपल मैं लैम्डा वन की बात करता हूँ, मैं कोई एक आधा नंबर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर 10/2 है समझो, ठीक है, और यहाँ पे 10/4 है, चलो डिवाइड करो, भला 10/2 करेंगे तो क्या होगा, 5 आंसर आएगा, और जब 10/4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 2 8 बचे 2 यानी 20, 4 5, तो मुझे बताओ कौन सा नंबर बड़ा हो गया, तो ये नंबर बड़ा हो गया, ठीक। अब इसको चेक करते हैं, ऊपर में न्यूमेरेटर दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए 5 आया, यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़्यादा है इसलिए 2.5 आया। तो जिसका देखो, न्यूमेरेटर सेम होने के बाद जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो वैल्यू ज़्यादा, और जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा वो वैल्यू कम। तो इसी प्रकार यहाँ देखो, लैम्डा वन लैम्डा टू है, दोनों का न्यूमेरेटर क्या है, 82 है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 173 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 171 है, तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो ये देखो, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा था तो वैल्यू कम आ गई, डिनोमिनेटर्स कम है तो वैल्यू ज्यादा आ गई, तो यहां पर ये डिनोमिनेटर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो ये वैल्यू कम होगी, मतलब लैम्डा वन, ठीक है, लैम्डा वन इज लेस देन यहां पर क्या होगा, लैम्डा टू होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि लैम्डा वन इज लेस देन लैम्डा टू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़्यादा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी की, तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि v इज इक्वल टू n लैम्डा, अगर मैं लैम्डा और इसकी बात करता हूँ, ठीक है, तो n, अब ये जाएगा v बाय लैम्डा, अगर v फिक्स है तो हम बोलेंगे कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो इसका मतलब क्या कि अगर लैम्डा ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब मैं दोनों की बात करता हूँ, लैम्डा वन लैम्डा टू, तो लैम्डा वन क्या है, कम है लैम्डा टू से, तो अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दोनों की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा वन कम है तो एन वन ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसलिए ये जो हमारे पास एन बी है, वो एन बी हमारे पास में जो लेते समय एन वन माइनस एन टू लेंगे, देखो लैम्डा वन लैम्डा टू से ज़्यादा है मतलब एन वन एन टू से, ठीक है, सॉरी, लैम्डा वन लैम्डा टू से ज़्यादा है मतलब कम है मतलब एन वन एन टू से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसके बीच में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला कौन सा है, एन बी का फार्मूला ले सकते हैं आप, ठीक है, और ये हमारे पास वेलोसिटी का तो फार्मूला है ही, क्योंकि उसने पूछा भी हमको क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। नाउ क्या बोलेंगे, हमारे पास में v इज इक्वल टू क्या है, एन इंटू लैम्डा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू क्या होगा, v बाय लैम्डा, ऐसा, ठीक। अब बीट फ्रिक्वेंसी क्या है, बीट फ्रिक्वेंसी तो एन बी, तो हमारे पास है एन बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 9। अब एन बी का मतलब क्या हो जाएगा, एन बी का मतलब बीट फ्रिक्वेंसी, बीट फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि बड़ी फ्रिक्वेंसी में से छोटी फ्रिक्वेंसी माइनस करो, तो इसमें एन वन ग्रेटर है, सो क्या बोलेंगे, एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय लैम्डा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा हमारे पास में एन वन, अच्छा यहाँ पे कितना है, 9 है, देखो एन बी की वैल्यू क्या रखेंगे, एन वन माइनस एन टू और इज इक्वल टू क्या है, 9। अब यन, देखो यन की वैल्यू क्या है, यन की वैल्यू है वी बाय लैम्डा,
तो n1 क्या होगा, v बाय लैम्डा 1 माइनस n2 क्या होगा, v बाय लैम्डा 2, वेलोसिटी सेम रहेंगी, वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 9। अब इसमें से v को बाहर निकाल दो तो बचेगा 1/λ1 माइनस 1/λ2 इज इक्वल टू 9। अब वैल्यू रखो तो ये v है, यहाँ पे 1/λ1, लैम्डा 1 कितना है हमारे पास 82/173 माइनस 1/λ2 कितना है 82/171 इज इक्वल टू 9। सो v, अब इसको उल्टा कर दो तो 173/82 माइनस 171/82 इज इक्वल टू 9। सो v इज इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर सेम आया, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता तो क्या होता है, एज इट इज़ रखते हम और ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 173 में से 171 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे इज इक्वल टू 9। अब v चाहिए तो 9 × 82/2 करो, सॉल्व करो इसको तो 9, 2 से करो तो 2 4 जा और 2 1 जा, सो v इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 4 जा ये बनेगा 36, ठीक है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास 369 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे आंसर है, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर कितना बन जाएगा, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू v, और v इज इक्वल टू 369 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हमारे अब न्यूमेरिकल्स भी समाप्त होते हैं, और मतलब किताब के टेक्स्ट बुक के, और थ्योरी भी हमने कंप्लीट की है इस चैप्टर के, ठीक है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि इतना हो गया यानी हो गया ऐसा नहीं रहता, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होती है, पढ़नी पड़ती है, रिविज़न करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर एक चीज़ होती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा का जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है बच्चों। तो आज यहाँ पर रुक जाते हैं, बाकी नेक्स्ट यानी डे आफ्टर टुमारो, कल तो हमारे टेस्ट रहेंगे, उसके बाद में जब हम न्यू चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है, तो वो रहेगा वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वगैरह हम देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। सो अभी के लिए रुक जाते हैं, टिल देन बाय।